आज हम पढ़ेंगे, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ द बायोडायवर्सिटी लॉसेस। ठीक है, तो जो बायोडायवर्सिटी हमने पहले कल पढ़ा था कि जो बायोडायवर्सिटी है उसका क्या पैटर्न, किस हिसाब से, किस अकॉर्डिंग वो चेंज होती है, और जो स्पीशीज डायवर्सिटी है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, मतलब हमारे इको सिस्टम को कैसे वो स्टेबल रखता है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, और वो इको सिस्टम हेल्थ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। मतलब हर स्पीशीज, हर जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में है, इम्पोर्टेंटली जो की स्टोन स्पीशीज है उनको, वो हमारी जो इकोसिस्टम है पर्टिकुलर, उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पर ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये लॉस हो रहा है, हमारी जो स्पीशीज है वो लॉस हो रही है। जैसे हम कितने सारे, लाइक वी हैविंग द टाइगर रिजर्व प्लान ओवर देयर, ठीक है, डायनासोर रिजर्व प्लान, इस तरह से रिजर्वर्स बनाए जा रहे हैं अलग अलग, उनके जीन बैंक्स बनाए जा रहे हैं। ये सब किस लिए हो रहा है, जस्ट टू कंट्रोल द एक्सटिंक्शन स्पीशीज, जो एक्सटिंक्शन है या जो थ्रेटेंड है या जो वल्नरेबल है, जो एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, इसके हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेट टू द स्पीशीज वी विल डिस्कस इन अदर क्लास ऑल्सो। ठीक है, तो कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो मेनली देर इज द मेन जो एक्सटेंशन अब जो होता है इस टाइम पे जो हो रहा है, आफ्टर द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन इज स्टार्टेड, वो मेनली किस लिए होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज से होता है। पहले भी होता था एक्सटेंशन, तो जब ह्यूमन बींग इज नॉट इन आवर इवोल्यूशन पीरियड इज देयर, बट दैट इज डिफरेंट देन दैट ऑफ इट नाउ, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो जो लॉस हो रहा है, दैट इज द मोस्ट वी कैन से द मेजरेबल और द कंसर्न्ड वन इज देयर। ठीक है, अब मेनली तो यहाँ पर फोर कॉजेज हैं जिनको हम द एविल क्वार्टरेट भी बोल सकते हैं। एविल क्वार्टरेट का मतलब है जो चार एविल हैं हमारे, ठीक है, उनमें सबसे पहला है हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं या जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, अब वहाँ पर या जो उनका हैबिटेट है, जो भी उनके रहने की जगह है, वो अगर लॉस हो जाएगी तो विद अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब क्या हो जाएगा, उनका लॉस होता जाएगा। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं, जो उनकी हैबिटेट है, वो किस लिए लॉस्ट हो रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज से लॉस हो रही है। जैसे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो भी अफेक्टेड हो रहे हैं, अगर जैसे मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स विंटर से, विंटर के टाइम में कहीं पे और जाते हैं जहाँ टेम्परेचर अच्छा है, और वहाँ पर वो हैबिटेट जहाँ पर वो जाते थे वो चीज़ लॉस्ट हो गई है, वो चीज़ वहाँ से ख़त्म हो गई। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उस पीरियड के टाइम पे उस बर्ड सर्वाइव करने में उनको क्या हुआ, बहुत प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो विद माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो अफेक्टेड है, पॉपुलेशन जो है उनकी धीरे धीरे फिर डिक्लाइन होती है। ठीक है, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, मतलब आपका जैसे बहुत एरिया है उसमें आपने कुछ फ्रेगमेंट एरिया को आपने हटा दिया, उसको फ्रेगमेंट करके आपने उस फॉरेस्ट वाले एरिया का एक छोटे से फ्रेगमेंट को आपने क्या कर दिया, एग्रीकल्चर बना दिया। किसने, ह्यूमन ने, ऑल आर ह्यूमन आते हैं ना, तो उस ह्यूमन ने क्या किया, उस वाले रीजन को फ्रेगमेंट में, एक स्मॉल फ्रेगमेंट को उस एग्रीकल्चर में बना दिया। अब जैसे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहां पर बहुत ज्यादा वेजिटेशन है, इसका मतलब देर इज उसकी वहाँ की जो सॉइल है इज अ रिच इन रिच इज देयर रिच है, सॉइल रिच है, और उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, तो उसकी वजह से वहाँ पर हाई डिकम्पोजिशन वगैरह होती है, इसीलिए रिच है। तो वहाँ पर अगर हम फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट अगर हम वहाँ पर एग्रीकल्चर या क्रॉपलैंड बनाते हैं थोड़े से एरिया के अंदर, तो क्या होगा, दैट विल बी अ मोर प्रोडक्टिव ऑल्सो एंड विल कॉज द वेस्ट। ठीक है, तो ये फ्रेगमेंटेशन होती है कि जो नेचुरल हैबिटेट है उसको हम क्या करें, फ्रेगमेंटेड करें। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट्स टू एक्सटेंशन। ये क्या कर रहे हैं कि जो एनिमल और प्लांट को एक्सटेंशन की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है एनवायरमेंट। जैसे कि हमारे पास पहले 40% अर्थ था, जिसका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ने 40% अर्थ लैंड कवर किया हुआ। ठीक है, अब वो रहे कि सिर्फ 6% रहे, और वी कैन नॉट मोर देन 6%, मतलब 6% से थोड़ा कम भी हो सकता है, 5.9, थोड़ा अभी कम भी हो रहा होगा अभी इस टाइम पे। अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, शायद कि ऐसा हो रहा होगा कि अभी थोड़ा सा वो मतलब 0.0001% शायद कुछ बड़ा भी होगा, क्योंकि अभी जो फिलहाल का जो टाइम चल रहा है विद इन दीज 3 और दीज 3 मंथ्स ओवर अ पीरियड,
क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या हो रही है, आर वेरी लेस, ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत कम हो गई है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा प्रोसेस को कवरिंग हो रही है। जैसे अब हमारी जमुना भी साफ हो गई है, तो ये सब भी हमारी जो जमुना है वो भी हमारे एक इकोसिस्टम का पार्ट है, बायोडाइवर्सिटी का पार्ट ही है। कैसे है वो बायोडाइवर्सिटी का पार्ट, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें जो बहुत सारी फिशेज जो प्रेजेंट है वो क्या हो रही थी, पहले मर चुकी थी या एक्सटिंक्ट ही हो गई थी। ठीक है, शायद वहां पर कुछ स्पीशीज का रिप्रोडक्शन रेट भी बढ़ गया होगा, जिनको अच्छा वाटर चाहिए, कंडीशन चाहिए, तो उसकी वजह से उनका थोड़ा सा मतलब बहुत ही वही 0.001% टाइप कुछ बना होगा तो, बट इट्स गुड। ठीक है, पर मेनली तो ये कह सकते हैं कि आधे से कम परसेंट जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सब बचे हैं। एमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ द प्लैनेट। लंग्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज द सोर्स ऑफ द रेस्पिरेशन फॉर अर्थ। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, उसी वाले एक पार्ट से मिलती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है, कौन, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज हैविंग द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो अब वहां पर भी क्या हो रहा है, बींग कट एंड क्लियर, किस लिए क्लियर किया जा रहा है, सोयाबीन के लिए, और वहां पर क्या करा जा रहा है, ग्रास लैंड फॉर रेजिंग द बीफ कैटल। बीफ कैटल को वहां पर मतलब रखा जाता है, जिनसे बीफ तैयार होता है वो वाले कैटल्स को, ताकि उनका बीफ अच्छा बने, क्योंकि वहां पर वो ग्रेज करेंगे, वहां पर रहेंगे, तो वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा होगी। ठीक है, और उनकी बीफ की प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। इसलिए तो बिसाइड द टोटल लॉस, डिग्रेडेशन ऑफ मेनी हैबिटेट बाय पोल्यूशन आल्सो थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ मेनी स्पीशीज। ठीक है, पोल्यूशन में तो मेनली अगर हम देखें सर्वाइवल के लिए जो कॉज होता है, तो सबसे ज्यादा जो लॉस हो रहा है वो हमारे किसको हो रहा है लॉस, वाटर हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट जो है वो सबसे ज्यादा थ्रेट फेस कर रही है। किस चीज के लिए, पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो अभी वो थ्रेट कम हुआ है 3 महीने से, पर वो फिर जब दोबारा सब स्टार्ट होगा दोबारा वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा बस उस लेवल पे आने को, पर वो दोबारा वैसे ही होने लगेगा। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दी ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये जो चार ये एविल क्वाड्रेट है ना, ये चारों एविल क्वाड्रेट को अगर एक नाम दिया जाए तो वो है ह्यूमन, एविल ह्यूमन फॉर दी इकोसिस्टम। वेल, वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ द प्लैनेट एंड वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ, हम भी इकोसिस्टम का ही पार्ट है, बट वी शुड कंट्रीब्यूट इन अ पॉजिटिव वे रादर देन टू एक्सप्लॉइटिंग इट, राइट, फॉर आवर नीड और ग्रीवेंसेस। देन नेक्स्ट इज द ओवर एक्सप्लॉइटेशन। अब ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी कौन करता है, ह्यूमन ही करते हैं। ठीक है, जैसे अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है, कि अब जैसे डियर, लायन और जो दूसरे स्पीशीज जंगल में रहते हैं, दे आर ऑलवेज इन अ पर्टिकुलर मैनर, वो हमेशा एक स्पीशीज वो कहते हैं ना इवननेस, वो उसमें रहते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर किसी भी चीज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन अ प्रोपोर्शनेट। बल्कि जो ये लायन स्पीशीज है या टाइगर है, इसके एक्सटेंशन की वजह से डियर और हर्बीवोर एनिमल्स का ज्यादा रिप्रोडक्शन होने की वजह से, रिप्रोडक्शन मीन्स उनका मतलब ज्यादा और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रेजिंग, ग्रास का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। लेकिन मेनली तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। जैसे कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन से मेरीन फिश है, उनका अराउंड द वर्ल्ड जो है हार्वेस्टिंग ज्यादा होती है, तो वो भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, मतलब बहुत सारी चीजों के लिए, रिसर्च के लिए, ठीक है, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, फॉर लाइक वाइटामिन ई एक्सट्रैक्शन, वाइटामिन ई एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फॉर्मेशन ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, और उनके खाने का तो अलग रहेगा। ठीक है, तो एंडेंजरिंग द कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ सम कॉमर्शली इम्पॉर्टेंट स्पीशीज। तो ये एंडेंजर किसको कर रही है, जो कॉमर्शली हमें इम्पॉर्टेंट यूजफुल स्पीशीज हैं उनको हार्वेस्ट करते हैं, और फिर हार्वेस्टिंग से क्या होता है, उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ड्रामेटिकली बढ़ रहा है अर्थ के ऊपर, उससे क्या होगा, कॉमर्शियल डिमांड भी उनकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो मैनी स्पीशीज जैसे कि डोडो है, पैसेंजर पीजन कौन से होते हैं, जो वाइट कलर के पीजन होते हैं ना, दैट आर पैसेंजर पीजन, वो अब पहले वल्नरेबल थे, पर वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट मतलब दे आर जस्ट, वो हमारी अर्थ पे अब नहीं, एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है, जो खत्म हो चुके हैं।
नेक्स्ट इज द एलियन स्पीशीज इन्वेजन. कई बार क्या होता है कुछ जगहों पर मतलब कोई ऐसी स्पीशीज आ जाती है जैसे कि कुछ इकोसिस्टम के अंदर कुछ बायोम्स के अंदर, उसको हम एलियन स्पीशीज बोलते हैं. मतलब वो वहाँ की नेटिव नहीं है, पर अगर वो वहाँ आ गई है वो स्पीशीज, तो वो क्या करेगी, इट विल कॉज दी इट मे बी हार्मफुल. वो क्या रहेगी, हार्मफुल हो जाएगी जो वहाँ पर स्पीशीज प्रेजेंट है उनके उनके लिए. ठीक है, तो व्हेन एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस अनइंटेंशनली, ठीक है, एलियन स्पीशीज में अनइंटेंशनली वहाँ पर आ गई है एंड डिब्लेटेड फॉर वट एवर पर्पज, या फिर किसी और पर्पज के लिए उनको वहाँ पर डाल दिया गया, इज टर्न इनवेजिव एंड कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजीनियस. मतलब जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, जो वहाँ का मेन पॉपुलेशन है, उसको क्या करेंगे, डिक्लाइन कम कर देंगे या धीरे धीरे एक्सटिंक्ट कर देंगे. ठीक है, एक जैसे नील पर्च ने क्या किया, लेक विक्टोरिया है ईस्ट अफ्रीका में, उसमें इवेंचुअली द एक्सटिंक्शन ऑफ इकोलॉजिकली यूनिक असेंबली ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ किक्लिड फिश इन द लेक. ठीक है, द नील पर्च इंट्रोड्यूस इन टू नील पर्च को डाल दिया कहाँ पर, लेक विक्टोरिया के अंदर. उसकी वजह से क्या हुआ, जो वहाँ पर किक्लिड फिश थी लेक के अंदर, उनका जो 200 से भी ज़्यादा जो स्पीशीज है वो धीरे धीरे क्या हो गई, दे इवेंचुअली एक्सटेंड, ठीक है, कम हो गई, ख़त्म हो गई. तो ऐसे ही एनवायरमेंटल डैमेज, अब जैसे जहाँ पर कुछ वीड्स हो जाती हैं, जो नेटिव प्लांट्स को क्या करती हैं, देर इज नेटिव स्पीशीज बाय इन्वेजन ऑफ द वीड्स, जो जंगली पौधे हैं अगर वो कुछ एरिया में आके लग गए हैं तो उससे क्या होगा, इट विल कॉज दी वो क्या करेगा, सारा सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है या मिनरल्स हैं उनको उनको ले लेगा, तो उनकी वजह से क्या होगा, दैट विल कॉज दी जो भी ये और जो हमारी इम्पॉर्टेंट स्पीशीज हैं उनको क्या होगा, उनको नुकसान ही पहुँचने वाला है. ठीक है, उनको तो फिर मिलने वाले नहीं वो सारी चीज़ें जो सॉइल उनको चाहिए, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, उनके लिए हार्मफुल हो जाएंगी. ठीक है, दैट विल लीड्स टू दी हार्मफुल, उन सब के लिए हार्मफुल हो जाती हैं. जैसे कौन सी वाली फिशेज, जैसे कौन से वाले प्लांट्स के लिए, कैरेट ग्रास, लेंटाना, वाटर हाइसिंथ. ठीक है, ये कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कि कॉज डैमेज आल्सो, जैसे कि कैरेट ग्रास तो पोलन एलर्जी भी कॉज करता है. ठीक है, वाटर हाइसिंथ इज द एल्गल ब्लूम टाइप में, मतलब एक तरह से पूरा इस तरह से फैल जाता है. वाटर हाइसिंथ जो है इट विल इट्स वेरी वी कैन से जो है वहाँ पर जो वाटर है उसकी फाइटोप्लैंकटॉन्स को ग्रो करने के लिए क्या करते हैं, बहुत मुश्किल पैदा कर देते हैं. फिर आता है को एक्सटेंशन. को एक्सटेंशन किन के लिए होता है, जैसे अगर एक हमने अभी एक हमने एक वो देखा था, जब हमने क्या किया था, व्हेन वी डिड द पॉलिनेशन एंड ऑल दैट वन, तो हमने क्या देखा था, पॉलिनेशन और जब हम पॉलिनेशन कर रहे थे तो कुछ जो स्पीशीज हैं वो पर्टिकुलर स्पीशीज पे ही क्या रहती हैं, डिपेंड रहती हैं. ठीक है, तो लाइक जैसे फ्लावर के अंदर देखा था, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, जैसे कुछ जो प्लांट हैं उनका कोई बस एक पर्टिकुलर स्पीशीज ही उनसे नेक्टर ले सकती हैं, बाकी और कोई स्पीशीज उनसे नेक्टर नहीं ले सकती, तो वो क्या होता है, एक तरह से को इवोल्यूशन होता है. ठीक है, तो यही ऐसे ही को एक्सटेंशन भी है. मतलब अगर वो फ्लावर हमारा ख़त्म हो गया तो उस पर जो जीने वाले प्लांट जो एनिमल्स हैं या इंसेक्ट हैं वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. जैसे प्रोनोबा यूका सेल्स एंड द यूका, ठीक है, प्रोनोबा यूका सेल्स एंड यूका, इसमें क्या होता है, जैसे जो प्लांट है उसके उसका जो प्लांट जिसमें प्लांट है उसमें क्या होता है कि उसके फ्लावर के अंदर वो अपने एग डालते हैं और वहीं से वो नेक्टर भी लेता है, तो इसीलिए उनका क्या है, को एक्सटेंशन इज देयर. और जो यूका प्लांट है उसमें क्या होता है, यूका दैट इज ठीक है, तो यूका प्लांट के ऊपर कौन डिपेंड होता है, दैट इज प्रोन्यूबा यूका सेल्स उसके ऊपर डिपेंड होते हैं. ठीक है, तो अगर ये भी एक किसका एग्जांपल है, को एक्सटेंशन का. ठीक है, ये को एक्सटेंशन का एग्जांपल है. व्हेन द होस्ट फिश, जैसे होस्ट फिशेज हैं, अगर वो बिकम एक्सटेंट हो गई
इट्स यूनिक असेंबली ऑफ पैरासाइट आल्सो मीट टू द सेम फेट. अगर होस्ट एक्सटिंक्ट हो गया तो पैरासाइट भी चला जाएगा. और ये मेनली किस में होता है, ऑब्लिगेटरी केस में होता है. ऑब्लिगेटरी केस में मतलब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते. मतलब हमने दो पढ़े थे ना, एक हमने फैकल्टेटिव पढ़ा था, एक ऑब्लिगेटरी. फैकल्टेटिव तो जो कभी कभी होता है, ऑब्लिगेटरी जैसे लाइकन का एसोसिएशन है. ठीक है, तो ऐसे केस में अगर एक एक्सटेंट हो गया तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली एक्सटेंट हो जाएगा. और जैसे हमने प्लांट पॉलिनेटर्स के बारे में पढ़ा था, कोई वॉल्ड होते हैं वो एक साथ, तो इस तरह से दैट इज प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म में हमने पढ़ा था. ठीक है, फिर आता है डिस्टर्बेंस एंड डिग्रेडेशन. डिस्टर्बेंस और डिग्रेडेशन भी वही है कि एक तो ये नेचुरल डिस्टर्बेंस होती है, जैसे कि जंगल फायर, ट्री फॉल हो गया, या पेस्ट अटैक हो गया. ठीक है, इंसेक्ट की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा इंसेक्ट आ गए हैं, इस तरह से. दूसरी है मैन मेड. मैन मेड में क्या होगा कि ट्री काट रहे हैं, फायर लगा रहे हैं उस एरिया को क्लीन करने के लिए. ठीक है, वहाँ से लीटर को कलेक्ट कर रहे हैं, और जो भी वहाँ पे ज़्यादा किसी एक ही तरह का प्लांट लगाया जा रहा है बार बार ही. ठीक है, तो ये वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रही है. ठीक है, तो इस तरह से डिस्टर्बेंस डिग्रेडेशन इन नेचुरल और ह्यूमन मेड दोनों हो सकते हैं. फिर पॉल्यूशन और इंटेंसिव एग्रीकल्चर. ठीक है, और पॉल्यूशन ये पॉल्यूशन अलग पॉइंट है और इंटेंसिव अलग पॉइंट है. पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है, पॉल्यूशन हम नेक्स्ट चैप्टर में पूरा पॉल्यूशन को डिटेल में पढ़ेंगे. इंटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है या कोई फॉरेस्ट वाला एरिया है जो वहाँ पर आदिवासी वगैरह लोग रहते हैं, वो फॉरेस्ट में क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, फिर दूसरा है फॉरेस्ट्री. फॉरेस्ट्री मतलब एक ही तरह के ट्री को, मतलब बार बार ही जैसे साल या टीक के ट्री को इकोनॉमिकली यूज करने के लिए जंगल में ज़्यादा फैला देना. ठीक है, तो उससे क्या होगा, और ट्रीज को ट्री के लिए नुकसान ही होगा. तो इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज अ कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अब आता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अब बायोडाइवर्सिटी की जो लॉस है, लीड्स टू द एक्सटेंशन. मतलब अगर किसी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया है तो उससे क्या होगा, स्पीशीज का एक्सटेंशन ही हो जाएगा डायरेक्टली. जैसे ससेप्टेबिलिटी टू एक्सटेंशन. अब सारे एनिमल ससेप्टेबल नहीं होते हैं. मतलब भाई मेरे को मॉस्किटो हैं, जैसे स्मॉल एनिमल्स, हाउस फ्लाई हैं, दे आर वेरी रेयर टू बी एक्सटेंट. जो जिनका रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जो स्मॉल इन नंबर होते हैं, ठीक है, और ठीक है, जिनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा होता है, उनके एक्सटेंशन के चांस कम होते हैं. मेनली जो एक्सटेंशन वाले चांस किनके ज़्यादा होते हैं, इनका लार्ज बॉडी साइज है, क्योंकि उनको रिसोर्सेज भी अवेलेबल चाहिए और स्पेस भी ज़्यादा चाहिए. ठीक है, जैसे डायनासोर्स और या बंगाल टाइगर. स्मॉल पॉपुलेशन साइज, उनका पॉपुलेशन बहुत कम होते हैं. ठीक है, और जब वो धीरे धीरे एक्सटेंशन की तरफ पहुँच रहे होते हैं तो वो बस ये लगा लो कि 100 और मतलब इट्स नियरली बाई 100 दे आर प्रेजेंट इन दी आवर अर्थ सिस्टम. जब वो एक्सटेंशन की तरफ पहुंचने वाले होते हैं, लो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल. जो ब्लू व्हेल है या जाइंट पांडा है, जाइंट पांडा है उनका जो रिप्रोडक्शन रेट होता है वो भी क्या होता है, बहुत कम होता है. रिप्रोडक्शन पोटेंशियल जो है बहुत कम होता है. पोटेंशियल का मतलब कि रिप्रोडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है कि बहुत स्लो रेट से वो रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं. उनका रिप्रोडक्शन रेट जो है वो बहुत कम होता है, इसीलिए उनका उनको ज़्यादा थ्रेट रहता है. ठीक है, फिर आता है हायर स्टेटस ऑफ प्रॉफिट लेवल. जिनका ट्रॉफिक लेवल भी हाई होता है उनको भी बहुत थ्रेट रहता है. जिनका हाई ट्रॉफिक लेवल है, हाई ट्रॉफिक स्टेटस लेवल होता है, उनको भी क्या रहता है, थ्रेट रहता है. कहाँ का, किस चीज़ से, मतलब लॉस होने का. ठीक है, जैसे कि ईगल है, बंगाल टाइगर है, तो इन सब के लिए. या फिर जो फिक्स्ड माइग्रेटरी रूट और क्रेन है उनको भी दिक्कत होती है. क्यों, क्योंकि उनका फिक्स माइग्रेटरी रूट है कि वो उस सीज़न में उस रूट से वहीं तक जाएंगे. अगर वो जगह वहाँ पर नहीं मिली उनको, ठीक है, अगर उनको वो चीज़ नहीं मिली वहाँ पर, तो क्या होगा,
ये यहाँ पर है फिक्स रूट एंड हैबिटेट, एंड हैबिटेट दैट इज ब्लू वेल एंड वूपिंग क्रेन, इनका होता है मतलब उनका ये फिक्स जगह पे ही रहने का हैबिटेट है, भाई वो इसी एरिया में रहेंगे और यह माइग्रेशन का भी एक फिक्स एरिया है. अगर वो हैबिटेट आपने डिस्टर्ब कर दी तो इट लीड्स टू दी एक्सटेंशन. ठीक है, नैरो रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज होता है वो भी बहुत कम होता है, मतलब वो बहुत थोड़े से ज्योग्राफिकल एरिया में ही रहते हैं बस. आइलैंड स्पीशीज, अगर कोई पर्टिकुलर आइलैंड में रहते हैं और वो धीरे धीरे वो आइलैंड श्रिंक होता जा रहा है, या उनको कुछ कोई मतलब वहाँ पर आपदा आ गई है, इस तरह से फ्लडिंग वगैरह हो गई है, तो वो वाली स्पीशीज एक तरह से जब आइलैंड खत्म होगा तो वो भी एक्सटेंट हो जाएंगी, क्योंकि वो सिर्फ उसी आइलैंड पे रहती हैं, उससे बाहर नहीं जाती हैं. तो ये सब ससेप्टिबिलिटी, ये जो कॉज है लार्ज बॉडी साइज स्मॉल पॉपुलेशन साइज, ये क्या है, दे आर एक्सटेंशन के ससेप्टेबल होते हैं ये ऑर्गेनिज्म. फिर टाइप ऑफ एक्सटेंशन, हमारे पास कितने टाइप के ऑफ एक्सटेंशन आता है, एक आता है नेचुरल एक्सटेंशन, मास एक्सटेंशन एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन. नेचुरल का मतलब क्या होता है कि जो नेचुरली जो एक्सटेंशन होने लगा है, इट इज बैकग्राउंड, मतलब हमारे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ एक्सटेंट हो रहा होता है जो कि हमें नहीं पता लगता, पर ये बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है, ये धीरे धीरे ही हो रहा है. एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्पीशीज, मेनली क्या होता है इसमें, क्या होता है जो ये नेचुरल एक्सटेंशन है इसमें, मतलब हम जो नहीं कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो कि इवॉल्व हो जाते हैं और नए स्पीशीज बन के उभरते हैं. ठीक है, तो अब अगर जो नए स्पीशीज आए हैं उनमें जरा सा थोड़ा चेंज होगा तो कई बार क्या होता है, कॉम्पिटिशन की वजह से पुराने वाले स्पीशीज हमारे एक्सटेंट हो जाते हैं और नए स्पीशीज आगे उभरते रहते हैं. ठीक है, मतलब बढ़ते रहते हैं. ठीक है, तो क्योंकि वो एनवायरनमेंट को बेटर अडॉप्ट कर पा रहे होते हैं, तो ड्यू टू अल्टरनेट इवोल्यूशन की जो इवोल्यूशन का रेट चल रहा है वो, या फिर कोई एनवायरनमेंट में जो कंडीशन है वो, अगर एनवायरनमेंट में कोई कंडीशन चल रही है, ठीक है, उस एनवायरनमेंटल कंडीशन की वजह से, या प्रेडेटर से बचने के लिए वो अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज लेके आते हैं. ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज लेके आते हैं, या फिर डिजीज, कोई डिजीज आ गई है तो उससे भी बचने के लिए क्या करते हैं वो. बचने के लिए अपने आप को अडॉप्ट करते हैं और इवॉल्व करते हैं. ठीक है, फिर आता है मास एक्सटिंक्शन. मास एक्सटिंक्शन का क्या है कि एक बहुत बड़े लेवल पे मास एक्सटेंड हुआ है. अभी तक हमारा 5 बार ही हमारे अर्थ पे मास एक्सटेंशन हो चुका है, और ये सब किसी वजह से हुआ है, एक एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफ की वजह से हुआ था. ठीक है, मतलब जैसे कि जो अर्थ का जो पहले, अगर हम देखें व्हेन इट विल बी सीन्स कि पहले कैसा अर्थ का जो कॉन्टिनेंट थे उनका जो स्ट्रक्चर था, और धीरे धीरे जो चेंज हुआ है वो इसी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है. ठीक है, तो ये इवोल्यूशन वगैरह की जो बातें हैं वो हमने पीछे पीछे हमने एक चैप्टर रहा है हमारा, जो इवोल्यूशन और हेरेडिटी वाले यूनिट है, उसमें हम और अच्छे से पढ़ेंगे इवोल्यूशन के बारे में. फिर आता है ग्रेटेस्ट मास एक्सटिंक्शन. अभी तक का जो सबसे पहला मास, पहला भी मास एक्सटिंक्शन है वो, इट इज आल्सो फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन. ये हमारा सबसे पहला मास एक्सटिंक्शन था जो 90% ऑफ मरीन इनवर्टिब्रेट्स. जो हम इवोल्यूशन के पीरियड्स देखते हैं तो उसमें क्या हमारे पास, जैसे प्रोकैरियोट्स आए, प्रोकैरियोट्स के बाद हमारे पास क्या आए, इनवर्टिब्रेट्स. तो इनवर्टिब्रेट्स का जब मिडिल परमियन जो हमारा पीरियड आया, उसमें क्या हुआ, जो शेलो वाटर वाले, मतलब जहाँ पर वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, धीरे धीरे वो कम होता गया और हमारे पास लैंड बढ़ता गया, तो उसमें क्या हुआ, जो मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं, 90% जो मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं वो खत्म हो गए उस पीरियड में. ठीक है, अब दूसरा मास एक्सटिंक्शन, जो सबसे दूसरा बड़ा मास एक्सटिंक्शन कब हुआ था, जब वो हुआ था क्रिटेशियस पीरियड में. ठीक है, जब क्या हुआ था, डायनासोर्स का जो बहुत बड़ा मास जो है वो कम हो गया था, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटेशियस टर्शरी एक्सटेंशन. ठीक है, जब हम क्रिटेशियस से टर्शरी की तरफ बढ़ते हैं पीरियड की तरफ, तो उस टाइम पे उसको हम के टी भी बोलते हैं. ठीक है, वहां पर भी सडन मास एक्सटेंशन हुआ था, 3/4 ऑफ प्लांट,
मतलब जितना अहम है उसके उसका जो तीसरा तीन हिस्से हैं उनमें से प्लांट और एनिमल जो स्पीशीज थी अर्थ पे वो खत्म हो गई। और ये कब हुआ था? 66 मिलियन ईयर्स एगो पहले हुआ था। फिर आता है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन क्या हो गया? ह्यूमन एक्टिविटीज एक्सटेंशन। ठीक है, अब एक्सटेंशन तो हो रहा है धीरे धीरे जैसे भी हो रहा है, पर जो ह्यूमन एक्सटेंशन है वो क्या है? वो बहुत उसका रेट बहुत ज्यादा है, फास्टर रेट। इट इज 100 और 1000 टाइम फास्टर। जो पहले एक्सटेंशन हो रहे थे वो हमारे अर्थ में, मतलब जो पीरियड ह्यूमन एट टाइम से, मतलब जो ह्यूमन नहीं था उस एरा में जो एक्सटेंशन हो रहे थे, और अब जो एक्सटेंशन हो रहे हैं वो 100 से 1000 टाइम फास्टर है। तो दैट इज द मेन कॉज ऑफ द कंसर्न, कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जितनी भी अभी स्पीशीज अर्थ पे प्रेजेंट है उसकी जो हाफ स्पीशीज है वो नेक्स्ट 100 ईयर में खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 100 ईयर में क्या हो जाएंगी? खत्म, ड्यू टू दिस ऑल रीजन। ठीक है, तो कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमन इज सेड टू हैव लेड टू द एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 2000 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड। जो कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल, जो पैसिफिक आइलैंड वगैरह पे कॉलोनाइजेशन हो रही है, मतलब लोग जाके रहने लग रहे हैं, उसकी वजह से वहां पर 2000 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड्स जो है वो धीरे धीरे क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए हैं, खत्म हो गए, क्योंकि वहां पर पहले ह्यूमन की एक्टिविटीज नहीं थी। अब वहाँ आइलैंड पे भी लोग आइलैंड खरीद के और वहाँ रहने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे वहाँ पे और लोग ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, इस वजह से क्या होता जा रहा है, वहाँ की जो नेटिव बर्ड स्पीशीज है वो डिस्टर्ब हो रही है, वहाँ की हैबिटेट जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो ये जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है इज बाउंड टू कॉज, ये जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है मेनली क्या कर रही है? प्लांट प्रोडक्शन कम कर रही है, क्योंकि एरिया कम होता जा रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है। ठीक है, उनका फिर उनमें रेजिस्टेंस भी कम होता जा रहा है, कि अगर वो एक बार खराब भी हो गई ना तो वो उनमें रीसेलिंग की लेवल भी कम होता जा रहा है, मतलब वो एक बार खराब हो गई तो दोबारा से उभरने में भी उनको टाइम लग जाए। ठीक है, उनका जो रेजिस्टेंस है दूसरे एनवायरमेंटल कंडीशन से वो भी कम होता जा रहा है, क्योंकि उनका एरिया भी रिस्ट्रिक्टेड होता जा रहा है, और कुछ ऐसी स्पीशीज है वो वहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गई है जो उनको मदद करती है एनवायरमेंटल कंडीशन से ओवरकम करने। ठीक है, जैसे ड्रॉट वगैरह है वो सब क्या हो रहा है? उसकी वजह से कम हो रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से जो इकोसिस्टम प्रोसेस में डिजीज की या डिजीज साइकिल, पेस्ट साइकिल, वाटर यूज, प्रोडक्टिविटी, जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी है, ये सारे के सारे साइकिल या प्रोसेस जो है वो क्या कर रहे हैं? वेरिएबल हो रहे हैं, मतलब इंक्रीज वेरिएबिलिटी। मतलब जैसे कि जो एक हमारे क्या पढ़ा था, जब हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पढ़ा था, उसमें जो प्रोडक्टिविटी की वेरिएबिलिटी होती है वो हम हर साल क्या रहती है? कॉन्स्टेंट रहती है। लेकिन ये डिस्टरबेंस की वजह से, ये बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से उसकी वेरिएबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, मतलब दो एक साल में और दूसरे साल की जो वेरिएबिलिटी, उनके बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो वाटर यूज है, कंजप्शन है, वो ज्यादा हो रहा है, पेस्ट का इंट्रोडक्शन भी ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से पेस्ट इंट्रोडक्शन की वजह से क्या हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी लॉस होता जा रहा है। ठीक है, डिजीज की साइकिल बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, सो दीज ऑल आर द कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब फिर हम बढ़ेंगे कि कैसे हम इसको कंजर्व करने की तरफ चले, और फिर हम एक बार रेड डाटा बुक को भी पूरा अच्छे से देखेंगे कि वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है और कैसे नहीं हो रही। अभी आप इसी को पढ़िए, और इट्स गुड टू बी बाउंड विद द एनसीईआरटी, पर कुछ जो पॉइंट एक्स्ट्रा लिखवाए हैं वो आप लिख लीजिए।